हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, वर्किंग विद फाइल्स। टॉपिक नंबर 42 है रीडिंग एंड राइटिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स। तो हम अपनी बुक ओपन कर देते हैं, बाल गुरु स्वामी बुक, और इसमें हम देखते हैं रीडिंग एंड राइटिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स, ये हम कैसे करेंगे। ये देखिए, हमने बुक ओपन कर दी है। अब यहाँ पर हम कोई भी एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास किया है इन्वेंटरी, इसमें हम नेम, कोड एंड कॉस्ट, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। अब हम दो फंक्शंस लेंगे, रीड डेटा एंड राइट डेटा। अब रीड डेटा में हम नेम, कोड एंड कॉस्ट ये हम एंटर करेंगे, राइट डेटा में इसको हम फाइल में राइट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम सेट iOS फ्लैग्स ये हम सेट करेंगे, एंड सेट वेट करके हम वेट एंप्रेशन सेट करेंगे, और फिर इसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, और स्टॉप डॉट डेट इस टाइप का हम एक फाइल बनाएंगे। तो अब एक आप सेम प्रोग्राम, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम हम कोड ब्लॉक्स में भी लिखेंगे। तो हम ओपन कर देते हैं कोड ब्लॉक्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है, न्यू फाइल। तो आप क्लिक कीजिए न्यू फाइल, और आप फाइल ओपन कर दीजिए। यहाँ पर आपको सी प्लस प्लस सिलेक्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सी प्लस प्लस सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ब्राउज करके एक फोल्डर में आप फाइल का कोई भी एक नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दिया फाइल 6। अब मैं फिनिश कर देती हूँ, तो मेरा एक नया फाइल ओपन हो गया। अब इस फाइल में आपको कोड क्या लिखना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपको लिखना है आईओ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम एंड स्ट्रिंग, ये तीन हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। फिर नेम स्पेस एसटीडी हमें इंक्लूड करना है। देन स्टूडेंट क्लास हमने बनाया, जिसमें हमारा हो गया आईडी, इंटीजर, स्ट्रिंग नेम एंड कैरेक्टर ग्रेड। अब हमें फंक्शंस बनाने हैं, तो हम जो स्टूडेंट फंक्शन बनाएंगे उसमें हम आईडी, नेम एंड ग्रेड इसको हम डिस्प्ले करेंगे। फिर इसमें हम यू एंटर करेंगे आईडी, नेम एंड ग्रेड ये हम इसमें एंटर करेंगे, और इसको हम डिस्प्ले करेंगे। देन वॉइड डिस्प्ले फंक्शन, यहाँ पर हम सी आउट आईडी, नेम एंड ग्रेड डिस्प्ले कर देंगे। देन वॉइड सीरियलाइज ऑफ स्ट्रीम, ये हमारा फाइल मोड हो गया, जिसमें हम फाइल को ओपन करेंगे, एंड देन इसमें हम फाइल को राइट करेंगे यूजिंग ओ एफ एस डॉट राइट। ये फंक्शन यूज करके हम डेटा फाइल में राइट करेंगे यूजिंग दिस पॉइंटर। अब नेक्स्ट है वॉइड डी सीरियलाइज इफ स्ट्रीम, मतलब हमें फाइल से डेटा रीड करना है तो हम एक और पॉइंटर ले लेंगे आई एफ एस डॉट रीड, और हम एक एक करके फाइल को रीड करेंगे यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर। अब हम लेते हैं मेन फंक्शन, जिसमें हम स्टूडेंट डॉट डेटा फाइल ये क्रिएट करेंगे। अब इसमें हम फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करेंगे, एंड देन फाइल में से डेटा रीड करेंगे। इफ देर इज एरर तो एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज ये जो डेटा हमने दिया है फॉर स्टूडेंट S1 एंड स्टूडेंट S2 ये हमारा डेटा फाइल में स्टोर हो जाएगा, और फिर ये ऑटोमेटिक डेटा हम रीड भी करेंगे यूजिंग दीज फंक्शंस सीरियलाइज OFS पॉइंटर हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने फाइल को फिर डी सीरियलाइज भी कर लिया फॉर डिस्प्ले। अब आपको क्या करना है, बिल्ड करके इसको बिल्ड एंड रन करना है। तो बिल्ड एंड रन करने के बाद ये देखिए, हमारा आउटपुट आ गया Student 1 एंड Student 2 का डेटा, ये हमारा डिस्प्ले हो गया। और फिर आप जब फोल्डर में देखेंगे तो वहां पे हमारा डेटा फाइल क्रिएट हो गया होगा, और स्टूडेंट्स DAT, तो ये जो फाइल है ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको हम नोटपैड में ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और सेम प्रोग्राम को आप ऑनलाइन GDB कंपाइलर पे भी आप रन करके देख सकते हैं। जैसे ही आप रन करेंगे तो ये देखिए, स्टूडेंट डेटा यहाँ पर स्टोर हो गया, और फिर ये डिस्प्ले हो रहा है, और इसको रन करने के बाद हमारा यहाँ पर आउटपुट भी डिस्प्ले हो रहा है। सो आई होप दिस प्रैक्टिकल वॉज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।